गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, कैसे हैं आप लोग? देखिए बेटा, आज हम मैथ्स के अंदर वीडियो नंबर 10 करेंगे और एक्सरसाइज रहेगी हमारी 1.3। क्लियर? आप देखिए, आज हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर। ठीक है, देखिए द नंबर दैट कम्स आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड अ सक्सेसर। देखिए, कोई भी नंबर है उससे एक ज़्यादा जो नंबर होता है, 1 अगर हम प्लस कर दें तो वो क्या होता है, सक्सेसर होता है। सक्सेसर का मीनिंग ही क्या है बेटा, प्लस 1 करना। और प्रेडिसेसर का क्या मतलब है, माइनस 1 करना। एग्जांपल देखिए, आप 13 है आपके पास, आपसे कहा अगर कि सक्सेसर निकालिए 13 का, तो 13 में आप क्या कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, 217 है, इसका सक्सेसर निकालना है, 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे यहाँ पर देखिए, प्रेडिसेसर क्या होता है, कम्स बिफोर, है ना, एक पहले वाला जो नंबर है, यानी माइनस 1। 17 के एक पहले कौन आता है, 16 आता है, यानी कि माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से माइनस 1 करके प्रेडिसेसर निकालते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1499 आपसे कहा है सक्सेसर निकालिए। सक्सेसर मैंने आपको बताया प्लस 1 सक्सेसर होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1499, इसमें सक्सेसर निकालने के लिए आप 1 प्लस करिए। देखिए 1499, 1 आप जैसे ही प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1500। प्लस करना तो हमें आता ही है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर आप 1500 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए बी 3758, आपको यहाँ क्या करना है, इसमें 1 प्लस कर देना है सक्सेसर निकालने के लिए। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और ये सारे वैल्यूज़ वापस 5, 7 और 3 इसी तरह से उतर जाएंगी। तो 3759 ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस नंबर का सक्सेसर नंबर। क्लियर? इसी तरीके से देखिए एक और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 7230। तो देखिए यहाँ पर भी आप 1 प्लस करेंगे, इसमें 0 और 1, 1327, यानी कि 7231। तो इसका, इस नंबर का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 7231 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और बाकी 3 आपको खुद बुक में फिल करने हैं। अच्छे से क्वेश्चन कीजिए ताकि आप फिल कर सकें। तो ये थे सक्सेसर। अब हम बात करते हैं प्रेडिसेसर्स की। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेडिसेसर्स को। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, माइनस का 1। क्या मतलब है माइनस का 1 करना, देखिए 3850। ठीक है, 3850 यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस 1 करना है। देखिए माइनस 1 कीजिए आप, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे। यहाँ पर कैरी लेते ही ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गए तो कितने बचे, 9। 5 में से आपने कैरी दी थी तो ये कितना रह गया, 4 रह गया। 4 यहाँ लिख देंगे 83। तो यानी कि 3850 का जो जो प्रेडेसेसर है वो कितना है, 3849। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2087, इसका प्रेडेसेसर निकालना है, माइनस 1 कीजिए। 7 में से 1 गए तो कितने बचेंगे बेटा, बचेंगे 2086। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसमें ई क्वेश्चन है, वो देखिए 5065, इसमें आपको माइनस 1 करना है। तो 5 में से 1 जब आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी सारी डिजिट सेम रहेंगी, 5064। तो इस तरह से 5065 इसका जब आप प्रेडिसेसर निकालेंगे तो क्या आएगा प्रेडिसेसर, 5064 आएगा। क्लियर? यहाँ भी देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस जो है बता दिए हैं और बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप अपनी बुक में फिल करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स जो है कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जो मैंने कराए हैं क्वेश्चंस वो CW में कीजिए
और जो नहीं कराए हैं वो आप HW में कीजिए, और बुक भी आपको अच्छे से फिल करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो सके। थैंक यू।